नमस्कार, मैं आयुषपाल, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, हलाला सर्टिफिकेशन पर बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम योगी ने एसटीएफ को सौंपी है इसकी जांच की जिम्मेदारी। इसी के साथ साथ अब यूपी एसटीएफ करेगी मामले की गंभीरता से जांच। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जाएगी यूपी एसटीएफ की टीमें। आतंकी संगठनों को लाभ पहुंचाने की जो जांच होने जा रही है, ये यूपी एसटीएफ करने वाली है। अब यूपीएसटीएफ इस मामले की गंभीरता से जांच करने वाली है। लगातार चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जाएगी यूपीएसटीएफ की टीमें, यहां पर जाकर जांच करेगी। इसी के साथ साथ आतंकवादी संगठनों को लाभ पहुंचाने की भी जांच जो है इस मामले में की जाने वाली है। और इस मामले में एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है लखनऊ में, हलाला सर्टिफिकेशन पर यह बड़ा फैसला जो है ये सरकार का सामने आया है। सीएम योगी ने एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ साथ अब यूपी एसटीएफ जो है इस मामले की गंभीरता से जांच करने वाली है। चेन्नई, दिल्ली और मुंबई यूपी एसटीएफ की टीमें जाने वाली है और यहां पर जाके वे जांच करने वाली है। इसी के साथ साथ आतंकी संगठनों को लाभ पहुंचाने की भी वे जांच करने वाली है। तो लगातार इस मामले पर यह बड़ा अपडेट है कि यूपी एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है, यूपीएसटीएफ इस मामले की जांच करने वाली है। चलिए अगली खबर करते हैं। प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर रोक लगाने को लेकर देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज के संवाददाता निकिता शरीन की एक खास रिपोर्ट। हलाल उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब टेरर फंडिंग की जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एसटीएफ को लगा दिया है। इसके इंटरनेशनल लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसारण विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर सहित विभिन्न महानगरों में दिन भर छापे की कार्रवाई चलती रही और कई जिलों में बड़ी मात्रा में सामग्री भी पाई गई है, जिसका देर शाम तक आकलन करने में टीम जुटी रही। और ज्यादातर स्थानों पर फास्ट फूड में प्रयोग होने वाली क्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ भी मिले हैं। जांच में लगी टीम संबंधित सामग्री को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इन सभी सामग्री को जब्त किया जाएगा। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे करोड़ों रुपए का खेल होने और इसका दायरा राष्ट्रीय स्तर तक होने और राष्ट्र विरोधी साजिश की आशंका के चलते मामले की जांच एसटीएफ को दी है। और इस मामले में 18 नवंबर को हजरतगंज कोतवाली में ऐशबाग के मोती झील निवासी शैलेंद्र शर्मा ने चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। और एफआईआर में कई गंभीर धाराएं भी लगाई हैं और नामजद कंपनी पर आरोप है कि बिना किसी अधिकार के कंपनी हलाल प्रमाण पत्र निर्गत कर अनुचित जो लाभ है वो अर्जित कर रही है और धन अर्जित कर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, जिसे अर्जित होने वाले धन का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी संगठन के लिए किया जा रहा है। सीएम योगी ने इसी वजह से 18 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेट देने और हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई थी। और जिस तरीके से अब एसटीएफ की टीम भी इस पूरे मामले की जांच में बैठा दी गई है और खासतौर पर जिलों को भी एक्शन मोड में आने के लिए कहा है कि अगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो अब इस मामले में एसटीएफ की जांच शुरू होने वाली है, एसटीएफ जल्द इस मामले पर जांच करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर से यह बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने हलाला प्रोडक्ट्स लिखे जाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार द्वारा इस पर बैन लगाए जाने के खिलाफ जो है वो बात कही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। स्पष्ट दिया हुआ है, गारंटी है हर नागरिक को, हर वर्ग को, कि वो अपनी पसंद का खाना पीना और तमाम उपयोग की चीज़ों को इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट
टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र का हित उसमें जो बाधित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है।